हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट फॉर्मूले के ऊपर कमेंट किया हुआ है और प्रोडक्ट फॉर्मूले के बारे में वो जानना चाहते हैं। उनके कमेंट से मुझे बहुत डिटेल तो नहीं समझ में आया, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। पहले लिब्रा कैल्क की बात कर लेते हैं। तो लिब्रा कैल्क ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर आप सेल रेफरेंस के बारे में जानते ही हैं। यहाँ पर मैंने 7 लिखा, फिर एंटर प्रेस किया। फॉर्मूला जो है गुणा करके दे देता है हमें सबका। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं PRODUCT। तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, इन तीनों को ले लेना है, ठीक है। 75 जा 35 और 35 टू जा 70, यानी आंसर हमारा 70 आना चाहिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके हमें देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है, दोनों जगह प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम ही काम करेगा, ठीक है। चाहे आप एमएस एक्सेल में काम कीजिए, इवन गूगल शीट में भी, गूगल शीट में भी यही चीज है। यहां 9 लिखा और यहां लिखा 4, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ये दे देगा। कैसे देगा, यहां पे देखिए, यहां पर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मैं फिर लगा के दिखाता हूं वही फॉर्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, आप टैब प्रेस नहीं कर सकते, ये लिब्रा कैल्क है। एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहां इसका मल्टीप्लाई करके ये हमें दे देगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, एक्सेल पर। तो यहां पर 8 किया हमने और 8 2 जा और फिर 3 जा, तो यहां पर भी प्रोडक्ट फॉर्मूला ऐसे ही सेम काम करेगा, गुणा करके हमें दे देगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो यहां लिखा हमने प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है। यहां पर आप टैब प्रेस कर सकते हैं, ये एक्सेल है, तो ये हमने ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होकर आ गया 8 2 जा 16 और 3 जा 48। इस तरह से करके ये प्रोडक्ट फॉर्मूला काम करेगा। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। वैसे प्रोडक्ट फॉर्मूले को लेकर की एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, इसमें हमने लिब्रा कैल्क और एमएस एक्सेल 2016 के लिए बात किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।